हेलो जी नमस्कार, मैं हूं गोविंद पटेल और आप देख रहे हैं खेती की पाठशाला यूट्यूब चैनल। ये जो मेरे पीछे आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है केंचुआ टांका या फिर हम लोग बोल सकते हैं वर्मी कंपोस्ट बनाने का टांका, जो कि गवर्नमेंट द्वारा किसानों को सब्सिडी के माध्यम से मिलता है। और ये जो टांका होती है, अगर आप जैविक भी करते हैं ठीक है, केमिकल भी करते हैं ठीक है, फिर भी जो है आप इसमें इसका जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत में लगभग सभी राज्यों में जो है इसकी सब्सिडी मिलती है ऐसे टांका बनाने का। हालांकि अभी ये पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, ऊपर में जो है इसके शेड भी लगने वाले हैं। किसान से हम लोग जानते हैं जो ये जो टांका बनवा रहा है, और बाकी किसान जो है हम लोग कहाँ से जो है इसका आवेदन करें और कितना परसेंट सब्सिडी मिलता है और क्या क्या चीज़ रहती है उसके बारे में हम लोग डिटेल से जानते हैं। तो फिर चले उसी किसान से हम लोग। पटेल हूँ मैं। मेरे क्षेत्र में जो मैं पहले पोर्टेबल बैग लगाता था वर्मी कंपोस्ट टांका बनाने के लिए, तो जो बैग आता है वो मतलब जैसे पानी गिरता है तो उस वक्त उसका स्ट्रक्चर जो है ढल जाता है। तो इसी समस्या के लिए चलते हुए देखते हुए मैंने ना अपने उद्यान विभाग अधिकारी हैं उनसे मिला और उनसे बात किया, तो वो बोले कि वर्मी टांका इस तरह से आता है जिसकी लंबाई 30 फीट रहता है और चौड़ाई जो है 8 फीट रहता है, ऊँचाई 2.5 फीट रहता है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर बना करके उसमें तैयार करना होता है वर्मी कंपोस्ट टांका। इसके लिए 50% अनुदान हमारे क्षेत्र में है, छत्तीसगढ़ राज्य में। ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग सब्सिडी अनुदान रहता है, वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग रहता है। तो अपने क्षेत्र के उद्यान विभाग अधिकारी से मिलकर आप ये जो पोर्टेबल टांका देख रहे हैं इसे आप बना सकते हैं। वैसे ये केचुआ खाद बनाना आप सभी किसानों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि अभी वर्तमान में देख रहे हो कि जो यूरिया का शॉर्टेज हो रहा है और कई उर्वरकों का दिक्कत हो रहा है। ऊपर से जो उर्वरक है रासायनिक उर्वरक, वो जो भूमि है उसको बंजर बनाते हैं। तो आप केचुआ खाद का उपयोग करते हैं, कम से कम आधी मात्रा में करते हैं, तो आपका जो भूमि का है उपजाऊपन वो भी सुधार रहेगा और वहाँ उपजाऊपन कभी कमी नहीं होगी, जो ज़मीन में हार्डपन आता है वो भी नहीं होगा। वैसे मेरे क्षेत्र में जो है इसका जो लागत है इकाई लागत 1,00,000 रुपये है और इसका जो 50% अनुदान है यानी कि 50,000 रुपये अनुदान है। तो 50,000 रुपये यदि मैं अपने क्षेत्र की बात करूँ, मेरे पास जो ईंट थे और जो सामग्री थे, कुछ सामग्री थे मटेरियल थे, वो अपने पास मौजूद थे पहले से, इसलिए लगभग ना मुझको अपने जो अनुदान राशि के से कुछ मात्रा में ही राशि इसमें देना पड़ा, बाकी सब जो है लगभग अनुदान राशि के कीमत में तैयार हो गया है। यदि बात करें अपने क्षेत्र में जैसे ईंट है, जो अन्य सामग्री है वो नहीं है आपके पास, मटेरियल नहीं है, तो उस स्थिति में इसमें जो 50% जो सरकार गवर्नमेंट देगा और उसके बाद में 50% अपने जो जेब से लगाना पड़ता है। अब यहाँ पे बात करें इसकी, तो स्ट्रक्चर में जो है 30x8 फीट का रहता है, लेकिन इसमें जो मैंने कुछ एक्स्ट्रा जोड़े हैं क्योंकि मैं किसान हूँ और मैं अपना जो ये टाका है उसको मजबूती लाना चाहता हूँ, इसलिए जो आप बेड जो बना है देख रहे होगे, इसमें जो 9 इंच का दीवार दिया हुआ है वो बीच में 4 इंच डाल सकते हो, तो 4 इंच डालोगे तो उसमें और भी आपका कम कीमत आएगा, लेकिन उतना मजबूती नहीं रहता है क्योंकि केचुआ टाका में जो खाद डालते हैं उसमें वजन आएगा तो धस जाता है, इसलिए मजबूती लाने के लिए मैंने उस वहाँ पर स्ट्रक्चर जो है मजबूत बनाया हुआ है। तो उस हिसाब से आप लागत को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। साथ में आप लोगों को एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, जो ये है टाका, इसमें ना आप नाली छोड़िए, इसे ऐसे नाली बनाना पड़ता है, इस नाली के माध्यम से आप वर्मी वाश निकाल सकते हो जो कि किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और साथ में यहाँ से जो अभी तैयार नहीं हुआ है पूरा, यहाँ से जो स्ट्रक्चर तैयार होगा यहाँ पर, इसके बाद में यहाँ पर एक नाली तैयार होगा, वो इसलिए तैयार किया जाता है क्योंकि बाहर से जो कीड़े मकोड़े हैं, चींटी जो रहते हैं वो केचुआ को नुकसान पहुंचाते हैं, अन्य जीव वो बाहर से अंदर ना आ सकें, इसके लिए ये साइड में नाली बनाना पड़ता है, उसमें पानी प्रति समय रहता है जो कि मतलब वो बाहर से जीवों को आना नहीं देता। अभी ये मेरा वर्मी टांका जो है कम्प्लीट नहीं हुआ है, फिर भी मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ, जो आप जब वर्मी टांका नया तैयार करते हो या पुराना जो भी हो, लेकिन जब वर्मी टांका तैयार होकर सके तो उसके बाद में जो आप खाद डालते हो यहाँ पे, वो जो गोबर का खाद है, तो उसको एक बात का ध्यान रखना होगा कि जो गोबर का खाद है कम से कम 2 सप्ताह या 1 माह पुराना हो, क्योंकि जब नया गोबर खाद को आप डाल देते हो तो गर्म रहता है, इसलिए आप जब भी वर्मी जो टांका है तैयार करते हो तो उसमें कम से कम 1 माह पुराना हो सके तो, या फिर जल्दी करना है तो कम से कम 2 सप्ताह पुराना गोबर को इसमें डाल करके आप केचुआ डाल करके केचुआ खाद तैयार कर सकते हो। तो जैसे कि किसान भाई आप लोगों ने देखा कि सरकार जो है कितनी ज़्यादा किसानों की मदद कर रही है सब्सिडी के माध्यम से जो है आपके खर्चे बचाने की, साथ ही साथ जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसमें जो है ऊपर में लगेगी सेट ताकि केचुआओं को कोई दिक्कत ना हो, और आने वाले समय में जिस तरीके से यूरिया और DAP का रेट बढ़ रहे हैं, शॉर्टेज बढ़ रहे हैं,
तो आप जो है अपना अपने लिए खुद का जो है जैविक यूरिया डीएपी का फैक्ट्री, इसको हम लोग बोल सकते हैं, जो आप लगा सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आप देखेंगे बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे रहा है। और जितनी सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, अगर आपके पास ईंट वगैरह है मटेरियल, तो आप जो है सब्सिडी के पैसे से ही आपका जो है तैयार हो जाता है, क्योंकि जो ये किसान जो आप देख रहे हैं लगभग इनके पास सारा सामान था, तो इनकी जो सब्सिडी के पैसे से ही ये जो फैक्ट्री इनका जो है तैयार हो जा रहा है। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, और ये टाँका से संबंधित कुछ भी आपके मन में सवाल है, सुझाव है, तो प्लीज़ आप नीचे में कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हर बार की तरह लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिलहाल वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।